स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित दुर्गाबाई को राजधानी भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद स्थित उनके निवास में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी का सदस्यता अभियान देश और प्रदेश भर में चल रहा है। कल हमारे पास पद्मश्री दुर्गाबाई का संदेश आया था, वे मिलना चाहती हैं। कल रानी दुर्गावती की राजधानी संग्रामपुर में कार्यक्रम किया गया, आज पद्मश्री दुर्गाबाई से मिलने आया था। आज हमने उन्हें भाजपा परिवार का हिस्सा बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे ही लोगों के कारण मिलकर बनी है। वहीं पद्मश्री से सम्मानित दुर्गाबाई ने रानी दुर्गावती के 500वें जन्मदिन पर सरकार के कार्यों की सराहना की और पीएम यादव का आभार जताया। चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल मेरे पास हमारे पद्मश्री दुर्गा बहन व्याम जी का संदेश आया, जो मिलना चाहती तो हमने कहा जरूर मिलेंगे। उनके मन में रानी दुर्गावती जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा जिस प्रकार से पूरे वर्ष विविध कार्यक्रम किए गए और खास तौर पर कल हमारे द्वारा संग्रामपुर उनकी राजधानी में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि आज वो हमारे परिवार के बीच जुड़ी है। माननीय मोदी जी के काम को पसंद करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भाव को समझती है और रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए जो सरकार काम कर रही है उससे वो अत्यंत प्रसन्न है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वो हमारे बीच जुड़ी है। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारे संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी, हम सब मिलकर के हमारे यहाँ के विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय राहुल कोठारी जी, हमारे नगर जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, हम सब ने मिलकर उनको परिवार का हिस्सा बनाया। उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सभी प्रतिभावान लोग जुड़े और कुल मिलाकर के भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल भाजपा जो बनी है वो ऐसे ही सब लोगों के कारण से बनी है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।